हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सेल्स फोर्स नो। सो आज इस वीडियो में देखने वाले कि एपेक्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स एंड इंटरफेसेस क्या होते हैं और उसे किस तरह से हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ओके गाइस, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि क्लास डिफाइन करने के लिए रूल्स क्या क्या है। तो गाइस सबसे पहले आपके पास, आप जब भी कोई क्लास डिफाइन करेंगे तो उसके लिए आपको एक एक्सेस मॉडिफायर यूज़ करना होगा। एक्सेस मॉडिफायर क्या होता है गाइस, वो अभी मैं आगे बताऊंगा। फॉर एग्जांपल अभी आप देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पे, हमारे क्लास का नाम है पब्लिक क्लास। हमारे क्लास इस तरह से डिफाइंड हुआ है हमारे स्क्रीन पे, पब्लिक क्लास माई आउटर क्लास। तो गाइस यहाँ पे जो पब्लिक है उसे हम बोलते हैं एक्सेस मॉडिफायर्स। देन गाइस जो हमारा उसके बाद क्लास नाम का जो कीवर्ड है वो हमारा रिक्वायर्ड होता है किसी भी क्लास डेफिनेशन में। एंड देन गाइस उसके बाद जो हमारा क्लास का नेम है, मीन्स माई आउटर क्लास, ये हमारे क्लास का नेम है। तो गाइस सिंपली मैं बताना चाहूँगा कि हमारे एपेक्स क्लास में आप एक पर्टिकुलर क्लास के अंदर एक दूसरा क्लास भी डिफाइन कर सकते हैं जिसे हम इनर क्लास बोलते हैं। तो गाइज उसे हम किस तरह से प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर सकते हैं वो मैं अभी आने वाले वो गाइज मैं अभी आगे के वीडियो में बताने वाला हूँ। तो गाइज तब तक के लिए हम समझते हैं कि एक्सेस मॉडिफायर्स क्या होते हैं एपेक्स में और कितने टाइप्स के होते हैं। सो बेसिकली फोर टाइप्स के एक्सेस मॉडिफायर यूज़ किए जाते हैं हमारे एपेक्स लैंग्वेज में। फर्स्ट वन इज़ प्राइवेट। सो गाइज अगर आप कोई पर्टिकुलर क्लास को कोई पर्टिकुलर एक्सेस मॉडिफायर ना प्रोवाइड करें, मीन्स ऐसे मैंशन कर दें कि क्लास माई क्लास नेम, तो गाइज वो बाई डिफ़ॉल्ट प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर के थ्रू डिफाइंड हो जाता है। वैसे प्राइवेट मॉडिफायर क्या काम करता है, प्राइवेट मॉडिफायर अगर आप यूज़ करते हैं किसी भी मेथड या वेरिएबल के थ्रू तो वो सिर्फ उसी पर्टिकुलर एपेक्स क्लास में यूज़ किया जा सकता है जिस पर्टिकुलर एपेक्स क्लास में वो मेथड या फिर वेरिएबल डिफाइंड है। तो गाइस देन सेकेंड आता है हमारा प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर। तो गाइस जब आप ये पर्टिकुलर एक्सेस मॉडिफायर का यूज़ करते हैं कोई भी मेथड या वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए, तो गाइस वो सिर्फ उन्हीं पर्टिकुलर इनर क्लास को डिफाइन विजिबल होता है जो कि उस पर्टिकुलर एपेक्स क्लास के अंदर है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमने एग्जाम्पल में देखा माई आउटर क्लास के अंदर था माई इनर क्लास। तो गाइज जो भी आप प्रॉपर्टी लाइक वेरिएबल या मेथड डिक्लेयर करते हैं माई आउटर क्लास में प्रोटेक्टेड कीवर्ड यूज़ करके, वो उसे सिर्फ आपका इनर क्लास ही यूज़ कर सकते हैं। तो गाइज आई नो आप थोड़ा कन्फ्यूज होंगे बट अभी आपको डेमो के साथ साथ समझ में आने लगेगा। देन गाइज जो हमारा थर्ड टाइप होता है वो पब्लिक। पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर का मतलब होता है गाइज कि आपका जो भी मेथड या वेरिएबल जिसको आपने पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर से डिफाइन करके रखा है वो सारे एपेक्स क्लास के थ्रू एक्सेसिबल होगा जो भी सेम स्पेसिफिक पैकेज में होंगे। देन गाइस फोर्थ एंड लास्ट होता है ग्लोबल एक्सेस मॉडिफायर। इसका मतलब ये गाइस कि आपका ये जो पर्टिकुलर एपेक्स का कोड है, मीन्स आपको जो भी मेथड और वेरिएबल जो भी आपने डिफाइन करके रखा है ग्लोबल एक्सेस मॉडिफायर के थ्रू, उसको हर कोई एक्सेस कर सकता है। हर सारे सारे एपेक्स क्लास एक्सेस कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ एपेक्स क्लास इसे आप थर्ड पार्टी थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं सोप एपीआई यूज़ करके। तो गाइस ये था डिफरेंस ये चारों मॉडिफायर एक्सेस मॉडिफायर्स के बीच। देन गाइस हम चलते हैं देखते हैं कि प्रॉपर्टी क्या होते हैं हमारे एपेक्स में। तो गाइस सिंपली हमारे एपेक्स में जो प्रॉपर्टी होते हैं वो एकदम सिमिलर टू वेरिएबल्स ही होते हैं, बट एक्चुअली उसमें ये डिफरेंस होता है कि आप कुछ एक्स्ट्रा थिंग ऐड कर सकते हो उन प्रॉपर्टी के वैल्यूज़ में, मीन्स उसे आप एक्सेस कर सकते हैं, उसमें आप कोई भी वैल्यू डिफाइन करके उसे रिटर्न कर सकते हैं। तो बेसिकली टू टाइप के, अब जब भी आप कोई प्रॉपर्टी डिफाइन करेंगे हमारे एपेक्स कोड में तो आपको टू टाइप ऑफ ब्लॉक्स मिलेंगे। जो फर्स्ट होगा वो होगा गेटर एक्सेसर का, मीन्स गेट एक्सेसर का जिसे हम गेटर भी बोलते हैं। एंड देन सेकेंड होता है सेट एक्सेसर, तो गाइस जिसे हम सेटर बोलते हैं। तो गाइस जब भी आप कोई पर्टिकुलर कोड में जिसमें आप गेटर एक्सेसर यूज़ कर रहे हैं वो प्रॉपर्टी रीड ऑनली कहलाएगी, मीन्स आप जब भी गेट एक्सेसर यूज़ करते हैं तो गेट एक्सेसर कब यूज़ किया जाता है, जब भी आप कोई पर्टिकुलर प्रॉपर्टी की वैल्यू रीड करना चाहते हैं। एंड सेट एक्सेसर आप तब यूज़ करते हैं जब आप किसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में कोई वैल्यू असाइन करना चाहते हैं, मीन सेट करना चाहते हैं। नाम से ही समझ में आता है गाइस, गेटर गेट करने के लिए यूज़ होता है किसी वेरिएबल की वैल्यू, एंड सेटर सेट करने के लिए मीन्स असाइन करने के लिए यूज़ होता है किसी प्रॉपर्टी की वैल्यू। तो गाइस अगर आपकी प्रॉपर्टी में सिर्फ गेटर एक्सेसर यूज़ हुआ है तो इसका मतलब है गाइस वो प्रॉपर्टी आपकी रीड ओनली मोड में है। एंड गाइस अगर आपकी किसी प्रॉपर्टी में सेट एक्सेसर यूज़ हुआ है तो इसका मतलब गाइस वो राइट ओनली मोड में है। एंड गाइस अगर आपने बो दोनों यूज़ किया है, मीन्स गेटर भी यूज़ किया है सेट एक्सेसर भी यूज़ किया है, तो इसका मतलब आपकी जो प्रॉपर्टी है वो रीड राइट मोड में है। तो गाइस एक बात यहाँ पे ध्यान रखने वाली चीज़ है कि प्रॉपर्टी जो आप डिफाइन करेंगे एपेक्स में वो आप इंटरफेसेस में यूज़ नहीं कर सकते। इंटरफेस क्या होता है गाइस वो मैं अभी इसी वीडियो में आपको आगे बताने वाला हूँ। तो गाइस सब तक समझते हैं कि हम किस तरह से एपेक्स प्रॉपर्टी क्रिएट कर सकते हैं। तो गाइस जैसा कि भी आप मेरे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि आपको कोई भी अगर प्रॉपर्टी डिक्लेयर करना है तो आपको सिंपली उस पर्टिकुलर एपेक्स क्लास के अंदर सबसे पहले आपको एक्सेस मॉडिफायर प्रोवाइड करना पड़ेगा। एक्सेस मॉडिफायर जो कि अभी मैं सुना अभी हमने तुरंत पढ़ा, जैसे पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड, आप कोई एक्सेस मॉडिफायर दे सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। देन उसके बाद आपको रिटर्न टाइप मेंशन करना पड़ता है कि किस टाइप की डेटा आपको रिटर्न करना है। फॉर
एग्जाम्पल आपको नंबर रिटर्न करना है तो आपको रिटर्न टाइप में इंटीजर मेंशन करना पड़ेगा। देन गाइस उसके बाद आता है आपका प्रॉपर्टी का नेम, कि आपको प्रॉपर्टी का नाम होगा क्या जिसके थ्रू आप एक्सेस कर पाएंगे उसे। देन गाइस उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी जैसे आप क्रिएट हो जाता है तो उसके ब्लॉक के अंदर दो कोड ऑफ ब्लॉक होते हैं जो कि हमने अभी देखा। फर्स्ट होता है गेट एंड सेकेंड होता है सेट। गेट किस लिए होता है? कोई पर्टिकुलर प्रॉपर्टी की वैल्यू गेट करने के लिए, मीन्स रीड करने के लिए। एंड सेट क्यों होता है? किसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में एक नई वैल्यू सेट करने के लिए। तो गाइज आई नो ये आपके लिए थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, बट आप बिल्कुल टेंशन मत लेना। मैं अभी जा रहा हूँ आपको प्रैक्टिकली डेमो करके दिखाने कि आपको किस तरह से इसे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एंड बिलीव मी गाइज ये बहुत ही ईजी आने वाला है, क्योंकि मैं बहुत ही सिंपल वे में आपको समझाने वाला हूँ। तो सिंपली गाइज उसके लिए मैं क्या करता हूँ, चलते हैं अपने डेवलपर ऑर्ग में। आपने अपने डेवलपर ऑर्ग लॉग इन कर लिया होगा, सिंपली गेरा करंट सेलेक्ट करना है एंड डेवलपर कंसोल ओपन कर लेना है। देन गाइज आपको याद होगा मैंने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी एक सेल्सफोर्स नूब क्लास नाम का एपेक्स क्लास क्रिएट कर रखा है, जिसके अंदर मैंने एक मेथड डिफाइन कर रखा है सेल्सफोर्स नूब मेथड। तो गाइज अगर आपको नहीं पता कि एपेक्स क्लास कैसे क्रिएट करते हैं, तो सिंपली आपको फाइल पे जाना है, देन न्यू पे क्लिक करना है, देन एपेक्स क्लास पे सिलेक्ट करना है एंड आपको अपना एपेक्स क्लास का नाम मेंशन कर देना है, तो आपका एपेक्स क्लास क्रिएट हो जाएगा। तो गाइज इस तरह से मैंने क्रिएट कर रखा है। अब मैं एक काम करता हूँ गाइज, हम चलते हैं एक प्रॉपर्टी क्रिएट करते हैं, राइट। सबसे पहले हम चलते हैं इसी सेम क्लास के अंदर, हम चलते हैं एक इनर क्लास क्रिएट करते हैं, उसमें से जो हमारा आउटर क्लास होगा जिसका नाम है सेफ फॉर स्नूप क्लास। देन गाइज अब चलते हैं इसके अंदर हमें इनर, ये हमारा मेथड है गाइज, जितना आपको पता होगा कि ये हमारा मेथड है। आप जैसे तो ये वाला जो सिंबल है ये डिक्लेयर करता है कि ये पर्टिकुलर थिंग हमारा मेथड है। अब चलते हैं गाइज इसके अंदर एक इनर क्लास क्रिएट करता है, तो सिंपली मैं यहाँ पे कमेंट मैंशन करता हूँ इनर क्लास, ठीक। अब इस इनर क्लास का नाम मैं मैंशन देना चाहूँगा, सबसे पहले मैं एक्सेस मॉडिफायर प्रोवाइड करता हूँ तो उसका नाम मैं मैंशन कर दूंगा पब्लिक, देन क्लास कीवर्ड आपको पता है रिक्वायर्ड होता ही है, देन आप अपने क्लास का नाम मेंशन कर सकते हो। तो मैं सिंपली मेंशन करता हूँ सिंपली मेंशन करता हूँ एपेक्स प्रॉपर्टी क्लास, ताकि वो पता हो कि यह पर्टिकुलर क्लास हम क्यों क्रिएट कर रहे हैं, अपने एपेक्स प्रॉपर्टी को क्रिएट करके यूटिलाइज करने के लिए। सिंपली गाइज ये मैंने एक इनर क्लास क्रिएट कर लिया। अब इसके अंदर गाइज हम क्या करेंगे, हम एक प्रॉपर्टी क्रिएट करेंगे। वो प्रॉपर्टी क्या करेगा, एक इंटीजर टाइप की वैल्यू, ठीक है, एक इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा या फिर उसमें कोई वैल्यू सेट करेगा। वो कैसे करेंगे वो आप देखना। आई नो गाइस थोड़ा कन्फ्यूजन है, बट आप टिके रहना इस वीडियो में, जैसे ये डेमो कंप्लीट होगा आपको सब चीज़ समझ में आ जाएगा। तो गाइस सिंपली चलते हैं, यहाँ पे मैं एक प्रॉपर्टी क्रिएट करता हूँ, तो सबसे पहले मैं चलता हूँ एक्सेस मॉडिफायर देता हूँ, देन रिटर्न टाइप में गाइस मैं क्या करना चाहूँगा, मैं एक इंटीजर टाइप का वैल्यू रिटर्न करना चाहूँगा। देन गाइस हमें क्या मैंशन करना है, अपने प्रॉपर्टी का नाम, आप प्रॉपर्टी का नाम क्या मैंशन करना चाहते हैं, तभी लिए गाइस मैं मैंशन कर देता हूँ सिंपली प्रॉपर्टी मेंशन कर देता, ताकि आपको थोड़ा कन्फ्यूजन ना हो। तो अभी के लिए मैंने प्रॉपर्टी मेंशन कर दिया, अब चलते हैं इसका ये बॉडी क्रिएट हो गया, राइट। तो आपको याद होगा दो चीज़ें हम यूज़ करते हैं, फर्स्ट गेट एक्सेसर देन सेकेंड सेट एक्सेसर। चलते हैं पहले गेट का बॉडी बनाते हैं। तो गेट के अंदर गाइज आपको पता है आप इसमें सिर्फ वैल्यू रीड करवा सकते हैं, राइट, तो सिंपली यहाँ पे रिटर्न कर देंगे। देन गाइज इसके थ्रू देन गाइज सेकेंड हम सेट करेंगे अपना सेट एक्सेसर। सेट के अंदर क्या करते हैं गाइस, हम इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के अंदर कोई वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं। तो सिंपली क्या करते हैं, काम करते हैं, चलते हैं सिंपली प्रॉपर्टी के अंदर, कॉपी करता हूँ, प्रॉपर्टी में हम क्या स्टोर करवाएंगे, वैल्यू। और वो वैल्यू कहाँ से आएगा गाइस, ये वैल्यू हम भेजेंगे अपने इस मेथड के अंदर से। तो आप बस देखते रहना गाइस, आपको सब चीज़ें धीरे धीरे, आपका जो भी डाउट है सारे सारे क्लियर होने वाले हैं। तो गाइस सिंपली हमने क्या किया, यहाँ पे गेट एक्सेसर क्रिएट कर दिया, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, ये प्रॉपर्टी की वैल्यू रिटर्न करवा रहे हैं। फिर हमने यहाँ पर सेट एक्सेसर यूज़ कर लिया, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, इस प्रॉपर्टी के अंदर ये जो प्रॉपर्टी हमने क्रिएट किया है, इस प्रॉपर्टी के अंदर हम एक वैल्यू इनिशियलाइज करवा रहे हैं। तो गाइस इसको अब करना कैसे मैं बताता हूँ, सिंपली चलते हैं ये हमारा जो मेथड है इसके अंदर मैं चलता हूँ इस पर्टिकुलर एपेक्स का जो इनर क्लास है हमारा, इसका एक वो क्रिएट करना है, हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, मीन्स बोल सकते हैं इंस्टांस क्रिएट करना है। सिंपली मैं चलता हूँ इसको कॉपी करता हूँ एपेक्स प्रॉपर्टी क्लास एंड इसको इंस्टांस क्रिएट करने के लिए करना पड़ेगा आपको कोई भी नेम स्पेस मेंशन करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे मैंशन कर देता हूँ प्रॉपर्टी, या फिर मैंशन करता हूँ सिंपली प्रॉप ऑब्जेक्ट, ठीक है, इक्वल्स टू न्यू एंड देन सिंपली इसे कॉपी करता हूँ एंड सिंपली यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। तो गाइस इस तरह से ये हमारा प्रॉपर्टी इंस्टाइज हो गया, मीन्स इसका इस पर्टिकुलर क्लास का इंस्टांस क्रिएट हो गया। अब आप उस पर्टिकुलर इनर क्लास के अंदर जो भी प्रॉपर्टी है, फॉर एग्जाम्पल प्रॉपर्टी का नाम प्रॉपर्टी ही रखा है मैंने ताकि आपको थोड़ा ईजी रहे, तो आपको अगर आपको इसको एक्सेस करना है तो आप किस तरह से कर सकते हो, तो सिंपली आपने जो नेम स्पेस यूज़ करके इसका इंस्टांस क्रिएट किया है, सिंपली आपको वो यूज़ करना है प्रॉप ऑब्जेक्ट डॉट
उस प्रॉपर्टी का नाम जो कि आप इनिशियलाइज करके रखे हैं इस पर्टिकुलर इनर क्लास के अंदर, सिंपली डॉट करके वो यूज़ करना है। तो गाइस आपने सिंपली अपने उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को इनिशियलाइज कर लिया, मीन्स इसको यहाँ पे एक्सेस कर लिया, यहाँ पे इसका रेफरेंस मिल गया। तो अब क्या करना है आपको, आपको इस प्रॉपर्टी के अंदर वैल्यू सिलेक्ट स्टोर करना है, राइट। ये जो वैल्यू हम स्टोर कर रहे हैं ये स्टोर करना है। तो सिंपली आपको क्या करना है, प्रॉप ऑब्जेक्ट डॉट प्रॉपर्टी एंड इसके अंदर सिंपली आप कोई भी वैल्यू असाइन कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो गाइज यहाँ पे हम क्या सेंड कर रहे हैं, यहाँ पे हम इंटीजर नाम डेटा टाइप का वैल्यू रिटर्न करवा रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे हमको इंटीजर ही पास करना पड़ेगा, मीन्स इंटीजर ही स्टोर करना पड़ेगा। तो सिंपली मैं 10 मैंशन कर देता हूँ। तो गाइज ये जो आपने किया 10 वैल्यू, तो ये कहाँ पे आके स्टोर हो रहा है, यहाँ पर्टिकुलर इस वैल्यू में रिप्लेस हो रहा है। वैल्यू कहाँ पे स्टोर हो रहा है, इस प्रॉपर्टी में। तो गाइज यही काम हम यहाँ पे करवा रहे हैं इसके रेफरेंस थ्रू। सिंपली गाइज अब इससे क्या हुआ, हमारा इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में 10 वैल्यू स्टोर हो गया। अब हमें क्या करना है, तो गाइज अब मैं चलता हूँ एंड इसे सिस्टम डिबग करवा के देखता हूँ। सिंपली चलता हूँ सिस्टम डॉट डिबग एंड सिंपली हमें क्या डिबग करवाना है, बी पी सिंपली हमें डिबग करवाना है प्रॉप ऑब्जेक्ट डॉट प्रॉपर्टी। सिंपली मैं चलता हूँ यहाँ पे, पेस्ट करता हूँ मैं, सिंपली इसे सेव करता हूँ एंड देखते हैं गाइज हमारा ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में 10 स्टोर हुआ है या नहीं हुआ है। तो गाइज सिंपली मैं चलता हूँ डिबग पे एंड एग्जीक्यूट अनोनिमस विंडो चलता हूँ। अब जैसे तो से अपने एपस क्लास का नाम एंड जो मेथड आपको कॉल करवाना है, तो हमें ये वाला मेथड कॉल करवाना है, राइट, सेल्स फोर्स टू मेथड नाम का। सिंपली मैंने वहाँ पे पेस्ट कर दिया एंड सिंपली इसे एग्जीक्यूट करता हूँ। तो गाइज आप जैसे मैं डिबग कॉल नहीं करूँगा, तो आप देख सकते हो हमारे प्रॉप ऑब्जेक्ट डॉट प्रॉपर्टी में क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। मीन्स हमने सक्सेसफुली हमारा जो प्रॉपर्टी क्रिएट कर रखा है प्रॉपर्टी नाम से, उसमें हमने 10 वैल्यू स्टोर करवा दी, कहाँ से, हमारे इस पर्टिकुलर मेथड से। अब फॉर एग्जाम्पल गाइज ये था यूज़ गेटर और सेटर दोनों का मेथड। तो मैं गाइज हमने क्या पढ़ा था अभी, कि अगर आप किसी प्रॉपर्टी में गेट एक्सेसर एंड सेट एक्सेसर दोनों यूज़ करते हैं, तो इसका मीन्स ये राइड एंड रीड, रीड एंड राइट मोड दोनों में है। मीन्स इसे आप रीड भी कर सकते हैं एंड राइट भी कर सकते हैं। बट क्या होगा इसकी, आपको यहाँ पे कोई वैल्यू सेट ना करना हो, मीन्स ये प्रॉपर्टी की जो वैल्यू जो आप यहाँ पे सेट करवा रहे हैं बाय डिफॉल्ट वही इनिशियलाइज हो। आपको कोई न्यू वैल्यू, आप किसी को एक्सेस नहीं देना चाहते हैं कि इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में कोई न्यू वैल्यू असाइन कर सके, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये सेट एसेसर की कोई रिक्वायर्ड नहीं है। फिर गाइज अगर आपको सिर्फ ये प्रॉपर्टी आपको रीड ऑनली मोड रखनी है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देकर बताता हूँ, कि कल आपने यहाँ पे क्वेरी किया लिस्ट ऑफ अकाउंट, ओके, एंड इसके अंदर आप सिंपली स्टोर करवा रहे क्या, सिलेक्ट आईडी फ्रॉम अकाउंट, ओके, आपने इस तरह से क्वेरी रन किया। अब चाहते हैं कि आप ये जो पर्टिकुलर लिस्ट है वो रिटर्न हो जाए इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के थ्रू। इस प्रॉपर्टी में आप सिर्फ ये रिटर्न लिस्ट प्रोवाइड करवाना चाहते हैं, मीन्स स्टोर करवाना चाहते हैं, आप नहीं चाहते कि ये लिस्ट को कोई और एडिट कर पाए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें सिर्फ गेट एक्सेसर यूज़ करना पड़ेगा। तो फॉर एग्जाम्पल अभी आप देख सकते हैं क्या किया, गेट रिटर्न प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी ना रिटर्न करवा के क्या कर सकते हैं गाइस, आप वो वैल्यूज रिटर्न करवा सकते हैं जो कि आपको प्रॉपर्टी में भेजना है। तो आप देख सकते हो कि हमने सेटर रिमूव कर दिया, आप सिर्फ गेट यूज़ कर रहे हैं, राइट, एंड रिटर्न कर दिए क्या, 5। तो जब भी कोई पर्टिकुलर मेथड जैसे इस पे हमने किया है, जब भी कोई पर्टिकुलर मेथड ये वाले प्रॉपर्टी को कॉल करेगा, तो इसको क्या मिलेगा, इसको रिटर्न में मिलेगा 5। मीन्स इस प्रॉपर्टी की वैल्यू अभी क्या है, 5। तो सिंपली अगर मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, सिंपली चलता हूँ इसे सेव करता हूँ इस क्लास को एंड सिंपली इसे एग्जीक्यूट लास्ट करता हूँ एंड इसे डिबग ऑन करता हूँ। तो आप देख सकते हो गाइस यहाँ प्रॉप ऑब्जेक्ट डॉट प्रॉपर्टी में हमें क्या मिल रहा है, 5। एंड ये हमने कहाँ से कॉल किया है, हमारे ये अपर वाले मेथड से, सेल्सफोर्स टू मेथड से, यहाँ पे हमारे सिस्टम डॉट डिबग में वो वाली वैल्यू प्रिंट हो गई है। तो गाइज आई होप आपको जो ये गेट एक्सेसर एंड सेट एक्सेसर का जो प्रोसेस है, मीन्स इंप्लीमेंटेशन, ये समझ में आ गया होगा कि किस लिए यूज़ किया जाता है। सिंपली हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, मैं सिंपली इसे रिमूव करता हूँ सारी सारी चीज़ें एंड सिंपली हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। एंड देन गाइज अब हम देखने वाले हैं कि हम किस तरह से एपेक्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अपने क्लास को एक्सटेंड कर सकते हैं। तो गाइज बेसिकली होता क्या है, कि जब भी कोई क्लास किसी अनदर क्लास को एक्सटेंड करता है, तो वो उस पर्टिकुलर क्लास जिसको एक्सटेंड किया है उसका मेथड और प्रॉपर्टीज़ को भी एक्सटेंड कर लेता है, मीन उसको इनहेरिट कर लेता है और उसको अपने हिसाब से ओवरराइड करके यूज़ कर सकता है। तो गाइस जब भी आप कोई एक्सटेंडिंग क्लास को ओवरराइड करेंगे, तो आपको वर्चुअल मेथड का यूज़ करना पड़ेगा। तो गाइस आई नो अब ये थोड़ा बहुत कन्फ्यूजिंग लग रहा हो आपको, बट आप बिल्कुल टेंशन मत लेना, मैं चल रहा हूँ आपको डेमो शो करता हूँ किस। बट गाइस मैं उससे पहले आपको बताना चाहूँगा कि एक क्लास सिर्फ एक सिंगल क्लास को एक्सटेंड कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल ए क्लास सिर्फ बी क्लास को एक्सटेंड कर सकता है, सी क्लास को नहीं, वंस अ टाइम। तो सिंपली चलते हैं हम इसे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर देते हैं। तो सिंपली चलते हैं यहाँ पे, मैं काम करता हूँ यहाँ पे, एक क्लास क्रिएट करता हूँ शेप नाम का, राइट। सिंपली चलता हूँ न्यू एपेक्स क्लास एंड यहाँ पे मैं मेंशन कर दूंगा शेप एंड सिंपली मैं यहाँ पे ओके क्लिक कर देता हूँ।
सो गाइस सिंपली हमारा ये सेव टाइम का एक क्लास क्रिएट हो चुका है। अब आप चाहते हैं कि कोई दूसरा क्लास इस पर्टिकुलर क्लास को एक्सटेंड कर सके और इसकी सारे सारे मेथड को ओवरराइड कर सके एंड वेरिएबल्स भी यूज़ कर सके, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ये पर्टिकुलर क्लास को वर्चुअल कीवर्ड से एनोटेट करना पड़ेगा, मीन्स डिक्लेयर करना पड़ेगा। सिंपली मैं चलता हूँ यहाँ पे वर्चुअल कीवर्ड यूज़ करता हूँ। तो गाइज अब इसका मतलब है कि इस सेप नाम क्लास को कोई भी दूसरा पर्टिकुलर क्लास एक्सटेंड करके उसकी प्रॉपर्टी या फिर मेथड को इनहेरिट कर सकता है, ओवरराइड कर सकता है। तो गाइज अब सिंपली चलता हूँ मैं चल तो गाइज अब मैं सिंपली चलता हूँ, दो वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ, लेंथ एंड ब्रेथ नाम का, क्योंकि सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक रेक्टेंगल की एरिया कैलकुलेट करने के लिए प्रोग्राम लिखने वाले हैं, इसलिए हम लेंथ और ब्रेथ नाम की दो वेरिएबल क्रिएट करेंगे। तो सिंपली चलता हूँ प्राइवेट इंटीजर, क्योंकि गाइज इंटीजर टाइप का होगा हमारा ये वेरिएबल, सिंपली चलते हैं प्राइवेट इंटीजर देन लेंथ। लेंथ में गाइज मैं स्टोर करना चाहूँगा 10, जिसे मैं सिंपली यहाँ पे कमेंट में करता हूँ 2, देन सिंपली मैं सेकंड क्रिएट करता हूँ प्राइवेट इंटीजर, प्राइवेट इंटीजर ब्रेथ, जैसे मैं करना चाहूँगा 20, ओके एंड इसमें मैं करना 2। तो यहाँ पे हमने दो वेरिएबल क्रिएट कर लिया है जो कि किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का। तो सिंपली मैं चलता हूँ यहाँ पे एक मेथड क्रिएट करता हूँ। तो गाइस वही प्रोसेस यहाँ पे भी होता है, अगर आप कोई ऐसा मेथड क्रिएट करना चाहते हो जिससे दूसरा पर्टिकुलर क्लास एक्सटेंड करके ओवरराइड कर सके, मीन्स यूज़ कर सके, तो उसके लिए भी आपको मेथड में भी वर्चुअल कीवर्ड यूज़ करना पड़ता है। तो सिंपली चलता हूँ पब्लिक देन वर्चुअल देन सिंपली वॉइड, मीन्स ये हमारा मेथड कुछ रिटर्न नहीं करेगा इसलिए वॉइड टाइप हमने मेंशन किया है। देन मेथड का नाम होगा एरिया, क्योंकि गाइज ये मेथड हमारा एरिया कैलकुलेट करने वाला है। सिंपली गाइज अभी के लिए मैं यहाँ पे सिस्टम डॉट डिबग में मेंशन करता हूँ एरिया, एरिया ऑफ, ओके तो अभी के लिए मैंने ये मेंशन कर दिया। अब मैं चलता हूँ दो मेथड और क्रिएट करता हूँ। सिंपली ये मेथड क्या करेगा, गेट लेंथ, ये मेथड हमें लेंथ गेट करके देगा। सिंपली चलते हैं, सबको गाइस जितना तो सबको पता है ना कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ भी होता है। मैं सिंपली मैं चलता हूँ यहाँ पे अगेन एक मेथड क्रिएट करता हूँ पब्लिक वर्चुअल वर्चुअल, देन इसका जो रिटर्न टाइप होगा वो होगा इंटीजर, इस मेथड के थ्रू हम इंटीजर रिटर्न करवाने वाले हैं। एंड देन मेथड का नाम होगा गेट, देन मेथड का नाम होगा गेट लेंथ, सिंपली इसकी बॉडी डिटेल करना है। तो इसमें गाइस हमें क्या रिटर्न करवाना है, हमें रिटर्न करवा देना है अपना लेंथ जो कि हमने यहाँ पे टॉप पे डिक्लेयर कर रखा है। सिंपली जब भी कोई दूसरा क्लास इस पर्टिकुलर मेथड को कॉल करेगा तो उसे रिटर्न में क्या मिलने वाला है, ये लेंथ की वैल्यू जो कि हमने क्या स्टोर कर रखा है 10। तो गाइस आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, बहुत ही सिंपल है गाइस, इसमें कुछ समझने वाली बात है नहीं। सिंपली जो भी पर्टिकुलर मेथड ये कॉल करेगा, ये वाला मेथड गेट लेंथ, तो उसको रिटर्न में क्या मिलेगा, उसको रिटर्न में मिलेगा लेंथ की वैल्यू, लेंथ की वैल्यू क्या है 10। बस गाइस इतना सिंपल सी चीज़ें याद रखेंगे। देन गाइस सेकंड में क्रिएट कर लेता हूँ गेट ब्रेथ, ये ब्रेथ गेट ब्रेथ, ये ब्रेथ गेट करने के लिए हमने ये मेथड लिखे, ये मेथड इंप्लीमेंट कर रहे हैं। सिंपली पब्लिक वर्चुअल, देन हमारा रिटर्न टाइप होगा इसमें भी इंटीजर, देन मेथड नाम गेट ब्रेथ, सिंपली इसके अंदर हम क्या रिटर्न कर देंगे, जो कि हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर रखा है ब्रेथ नाम का प्रॉपर्टी जिसकी वैल्यू है 20। तो गाइज सिंपली इसे डिक्लेयर करते हैं। तो गाइज इस क्लास का हमारा काम अभी के लिए कंप्लीट हो चुका है। तो गाइज एक्चुअली यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है, चलिए देखते क्या एरर है, ओके वो रिजॉल्व हो गया। सिंपली हमारा शेप नाम का क्लास है क्रिएट करिए, हम चलते हैं एक दूसरा नाम, तो गाइज हम चलते हैं सिंपली एक दूसरा क्लास क्रिएट करते हैं रेक्टेंगल नाम का, जिसमें हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैलकुलेट करेंगे। सिंपली मैं चलता हूँ यहाँ फाइल में, सिंपली चलते हैं न्यू पे एन एपेक्स क्लास सिलेक्ट करते हैं, मैं सिंपली सिलेक्ट करते हैं रेक्टेंगल, ओके स्पेलिंग मिस्टेक रेक्टेंगल एंड सिंपली ओके कर ओपन करता हूँ। तो गाइज सिंपली हमें क्या करना है, हमें इस पर्टिकुलर क्लास में, इस पर्टिकुलर क्लास का ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो मेथड्स हैं, इन सबका एक्सेस लेना है, राइट, इन सबको एक्सेस करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो सिंपली चलते हैं पब्लिक क्लास रेक्टेंगल एक्सटेंड्स, सिंपली एक्सटेंड्स उस क्लास का नाम जिस क्लास को आप एक्सटेंड करना चाहते हो, सिंपली सेव कॉपी करता हूँ मैंने यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। तो गाइस सिंपली आप क्या कर सकते हैं, अब ये जो पर्टिकुलर शेप नाम क्लास है इसका जो भी वेरिएबल है लेंथ ब्रेड ये एरिया मेथड गेट लेंथ, मीन्स ये डायरेक्टली इसे एक्सेस नहीं कर सकते, बट आप देख सकते हो कि हमने इसमें रिटर्न करवा दिया राइट मेथड थ्रू, तो मेथड का एक्सेस हमें इस हमारे इस रेक्टेंगल क्लास को मिल चुका है। सिंपली अब क्या करना है,
आपको जो भी पर्टिकुलर मेथड ओवरराइड करना है उसे आपका इम्प्लीमेंट करना है तो उसके लिए करना पड़ेगा पब्लिक, आपको ओवरराइड नाम का एक कीवर्ड यूज़ करना पड़ेगा ओवरराइड, देन आपका रिटर्न टाइप मेंशन करना पड़ेगा। तो अभी के लिए हम कुछ रिटर्न नहीं करवाना चाहते, तो सिंपली वॉइड, एंड आप जिस मेथड को ओवरराइड करना चाहते हो उस शेप नाम की क्लास से, तो सिंपली मैं चलता हूँ, हमें क्या कौन सा मेथड ओवरराइड करना है ये एरिया नाम का, सिंपली मैं कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, सिंपली से डिक्लेयर करता हूँ। तो गाइस अभी के लिए मैं चलता हूँ, यहाँ पे इंटीजर नाम का एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ और उसमें उस वेरिएबल का नाम मैं करता हूँ आंसर, या इंटीजर टाइप के एक वेरिएबल मैंने क्रिएट किया जिसका नाम है आंसर, एंड उसमें मैं क्या स्टोर करने वाला हूँ ये पर्टिकुलर शेप में, जो मैंने ये लेंथ दिया है और ये ब्रेड। तो गाइस सिंपली फॉर्मूला क्या कहता है, लेंथ इंटू ब्रेड, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेड, सिंपली मुझे क्या करना है 10 × 20। तो मैं किस तरह से कर सकता हूँ, तो आप देख सकते हो गाइस यहाँ गेट लेंथ वाले मेथड में क्या रिटर्न करवा रहा हूँ लेंथ, मीन्स यहाँ से हमें 10 मिल गया, एंड देन ये गेट ब्रेड वाले मेथड में क्या रिटर्न करवा रहा हूँ ब्रेड, मीन्स यहाँ से हमें 20 मिल गया क्योंकि हमने ऑलरेडी वेरिएबल में वैल्यू डिफाइन कर रखे है। सिंपली मैं चलना है यहाँ पे कुछ नहीं करना है, एक्सेस तो हमारे पास है ही सारे मेथड्स का क्योंकि हमने इस पर्टिकुलर शेप नाम की क्लास को एक्सटेंड कर लिया है, तो हमारे पास अब ये सारे मेथड के एक्सेस हो गए हैं, हम इस सब सारे मेथड को कॉल कर सकते हैं एंड इसके सारे वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकते, वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। सिंपली हमें क्या करना है, सिंपली यहाँ पे चलते हैं जो मेथड नाम है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं हमारा मेथड नाम है गेट लेंथ, सिंपली इसे कॉपी करना है गेट लेंथ एंड गेट लेंथ मल्टीप्लाई बाय गेट, सिंपली मैं चलता हूँ पहले मेथड कॉपी कर देता हूँ गेट ब्रेड। तो गाइस सिंपली मैंने क्या किया गेट लेंथ इंटू ब्रेड कर दिया, मीन सिंपली आप देख सकते हो जैसे गेट लेंथ वाला मेथड कॉल होगा तो ये क्या रिटर्न कर देगा, ये लेंथ रिटर्न कर, लेंथ में क्या है 10। तो आप सीधे समझ जाओ कि यहाँ पे हमें इस मेथड की जगह 10 मिलने वाला है रिटर्न में एंड इस गेट ब्रेड की जगह हमें 20 मिलने वाला है रिटर्न में, तो 10 × 20 होगा तो क्या आंसर मिलना चाहिए, ये 10 × 20 = 200। तो हमारे इस आंसर नाम का जो वेरिएबल है इसमें हमें क्या स्टोर होना चाहिए 200। सिंपली मैं चलता हूँ मैशन करता हूँ सिस्टम डॉट डिबग एंड सिंपली मैशन करता हूँ एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड इसके अंदर मैं क्या प्रिंट करने वाला हूँ ये आंसर, तो सिंपली मैं चलता हूँ एंड यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, सिंपली सेव करता हूँ। आज हमने क्या कर दिया, तो गाइस हमारा रेक्टेंगल नाम का क्लास कंप्लीट हो गया जो कि क्या कर रहा है हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैलकुलेट कर दे रहा है, बट इसे कॉल करना है तो किस तरह से कॉल करते हैं, हम इसे सेम क्लास से तो कॉल कर पाएंगे नहीं। सिंपली चलता हूँ मैं एक अपने क्लास में जिसका नाम है सेल्स फोर्स क्लास जिस पर हम ऑलरेडी काम करते हैं। सिंपली गाइस इस पर्टिकुलर रेक्टेंगल वाले क्लास का एक्सेस करने क्या करना पड़ेगा, इस पर्टिकुलर रेक्टेंगल नाम की क्लास का एक इंस्टेंस क्रिएट करना पड़ेगा कहाँ पे, हमारे इस पर्टिकुलर मेथड में। तो सिंपली चलता हूँ रेक्टेंगल एंड इस कोई भी पर्टिकुलर नाम दे देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल रेक्ट नाम दे देता हूँ इक्वल्स टू न्यू रेक्टेंगल, ओके। तो गाइस इस लाइन से क्या हो रहा है, हमारे जो रेक्टेंगल नाम का जो क्लास है इस पर्टिकुलर क्लास का इंस्टेंस क्रिएट हो रहा है, तो इंस्टेंस क्रिएट होते ही गाइस ये रिएक्ट नाम में हमारा सारा सारा रेफरेंस फॉर्म मिल जाएगा। सिंपली मैं चलता हूँ यहाँ पे रिएक्ट, सिंपली मैं चलता हूँ यहाँ पे रेक्ट डॉट एरिया कॉल करता हूँ, ओके, क्योंकि हमारा जो मेथड का नाम है वो एरिया है, राइट। आप देख सकते हो हमारे ये एरिया नाम के मेथड में ही हमारा ये आंसर मिलने वाला है लेंथ इंटू ब्रेथ वाला। सिंपली मैं चलता हूँ यहाँ से एंड यहाँ पे इसको कॉल कर लेता हूँ, सिंपली मैं चलता हूँ डिबग पे एंड ओपन एज ऑनमस विंडो करता हूँ, सिंपली यहाँ पे क्लास का नाम एंड देन डॉट हमारे मेथड नाम जिस मेथड को हम कॉल करना चाहते हैं, तो सिंपली मैं चलता हूँ एंड यहाँ से एग्जीक्यूट करता हूँ। तो गाइस अब आप देखना कि जिस क्लास से हमने कॉल किया, फॉर एग्जांपल मैं आपको शो करूँ ये सेल्सफोर्स नूब नाम क्लास नाम से हमने इसको कॉल किया था, राइट, बट यहाँ पे कोई सिस्टम डॉट डिबग नहीं है, बट गाइस आप फिर भी देखना आपको ये वाले सिस्टम डॉट डिबग का आंसर यहाँ मिलने वाला है हमारे लॉग में, क्यों, क्योंकि ये वाला पर्टिकुलर मेथड कॉल हो रहा है हमारे उस पर्टिकुलर क्लास से। सिंपली मैं चलता हूँ डिबग में एंड डिबग ऑनली पे क्लिक करता हूँ, तो गाइस आप देख सकते हो एरिया ऑफ रेक्टेंगल 200। तो गाइस आई होप आपको ये क्लियरली समझ में आ गया होगा, आई नो गाइस स्टार्टिंग में थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा होगा ये इसमें, बट गाइस जैसे ही आप अपने खुद से इंप्लीमेंट करोगे अपने खुद के सेल्सफोर्स ऑर्ग में तो आपको ये एकदम परफेक्ट वे में समझ में आने वाला है। तो बेसिकली मैं आपको फिर से बताता हूँ कि हमने किया क्या है, सिंपली हमने एक शेप नाम का क्लास क्रिएट किया है वर्चुअल क्लास एंड उसके अंदर हमने दो प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दी लेंथ एंड ब्रेथ टाइप का, देन थ्री मेथड्स क्रिएट कर दिए जिनमें से एक मेथड का नाम है एरिया, देन सेकेंड मेथड का नाम है गेट लेंथ जो कि हमें लेंथ की वैल्यू रिटर्न करवा रहा है ये वाला, एंड देन सेकेंड ग्रेड ब्रेड नाम की भी एक मेथड हमने क्रिएट किया जो कि क्या रिटर्न करवा रहा है हमारा ब्रेड की वैल्यू जो कि हमने यहाँ पे टॉप पे ऑलरेडी डिफाइन कर रखा है। देन हमने एक अनदर क्लास क्रिएट किया रेक्टेंगल नाम का जो कि हमारे शेप नाम की क्लास को एक्सटेंड करके उसके जो मेथड्स है उसको ओवरराइड कर सकता है, एक्सेस ले लिया एंड उसे ओवरराइड कर रहा है।
सिंपली उसने क्या किया, एक एरिया नाम का जो मेथड है उसे ओवरराइड किया, एंड उसके अंदर गेट लेंथ इनटू ब्रेथ मीन्स ये जो हमारा मेथड था हमारे शेप नाम क्लास का, उसको कॉल करके एक आंसर में स्टोर कर दिया मल्टीप्लीकेशन करके, एंड उस आंसर का वैल्यू क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल मीन्स लेंथ इनटू ब्रेथ। एंड सिंपली हमने फिर क्या किया, हमारे दूसरे क्लास से सेस्को स्टूडेंट नाम के क्लास के एक मेथड से इस पर्टिकुलर क्लास का एक इंस्टांस क्रिएट किया रेक्टेंगल रेक्ट इक्वल्स टू न्यू रेक्टेंगल करके, एंड देन रेक्ट डॉट एरिया करते ही हमारा वो जो पर्टिकुलर क्लास है रेक्टेंगल नाम का उसके अंदर जो मेथड है एरिया जिसका नाम एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं वो कॉल हो जाता है, एंड हमारे जो वैल्यू है वो प्रिंट होकर हमें डिबग में मिल जाता है। तो गाइज बस इतना करना था हमें। अब आपके लिए एक टास्क ये है गाइज होमवर्क कि अभी कि आप देख सकते हो हमारे इमेज में हमने थ्री क्लास क्रिएट करने थे राइट, सर्कल ट्राइंगल एंड रेक्टेंगल। तो अभी के लिए मैंने आपको डेमो में क्या शो करके दिखाया, सिर्फ एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आपको आपका टास्क क्या है कि आपको एरिया ऑफ सर्कल एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल भी सेम वे में क्रिएट करना है। तो मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ कि आपको करना क्या पड़ेगा। सो फॉर एग्जाम्पल आपका एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर राइट, तो आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे एक रेडियस के लिए एक प्राइवेट इंटीजर रेडियस नाम से एक वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा जिसमें आप कुछ भी वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं, एंड देन आपको अनदर एक सर्कल नाम का क्लास क्रिएट करना पड़ेगा जिसे हमने रेक्टेंगल किया है, एंड उसमें आप अगेन ये एरिया नाम का मेथड ओवरराइड करेंगे, एंड उसके अंदर इंटीजर आंसर इक्वल्स टू 3.14 जो कि पाई की वैल्यू है 3.14 इंटू गेट रेडियस वाले मेथड से इंटू कर देंगे तो आपको वो आंसर मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एक काम करता हूँ मैं आपको करके दिखा देता हूँ, ये वाला भी सर्कल का मैं कर देता हूँ, ट्रायंगल का आप करोगे राइट, ये जो ट्रायंगल आप देख सकते हो ये वाला बीच वाला आप करोगे। सिंपली मैं चलता हूँ प्राइवेट इंटीजर देन रेडियस, रेडियस में मैसेज कर देता हूँ अभी के लिए 10, 10 ही मैसेज कर देता हूँ गाइज अभी के लिए। सिंपली चलता हूँ यहाँ पे अगेन एक मेथड क्रिएट करता हूँ जो कि गेट रेडियस करेगा, हमारा रेडियस गेट करके देगा। सिंपली इस मेथड नाम मैसेज करता हूँ पब्लिक वर्चुअल इंटीजर गेट रेडियस ओके, मैंने ये कर दिया। अब इसमें सिंपली हमें क्या करना है, रिटर्न कर देना है, क्या रिटर्न कर देना है, हमारा रेडियस जो कि हमने यहाँ पे इनिशियलाइज करके रखा है। सिंपली मैं चलता हूँ यहाँ से रेडियस हमने रिटर्न करवा दिया ओके। ये हमारा सेप क्लास का काम हो चुका है, एक्चुअली कुछ मिस हो रहा है क्या, ओके कुछ मिस नहीं हो रहा है तो हो चुका है। अब मैं सिंपली चलता हूँ एक न्यू क्लास क्रिएट करता हूँ एरिया ऑफ सर्कल का, एक मिनट कर देता हूँ, सिंपली चलता हूँ एफ एस क्लास में यानी यहाँ पे सर्कल मैच कर देता हूँ, सिंपली ओके कर देता हूँ। सो अगेन मैं एक्सटेंड कर दूंगा, इसमें एक क्लास एक्सटेंड करूँगा, एक्सटेंड्स कौन से क्लास को एक्सटेंड करूँगा, शेप नाम का। सिंपली मैं चलता हूँ हमारे पास ये शेप नाम का जो क्लास है इसके अंदर जो भी मेथड है सारे के सारे एक्सेस मिल गए हैं। अब मैं सिंपली चलता हूँ एक मेथड एक्सेस ओवरराइड करूँगा पब्लिक ओवरराइड वॉइड एरिया, जो एरिया नाम का जो हमारा मेथड है हमारे शेप क्लास में उसको मैं ओवरराइड करता हूँ यहाँ पे, एंड देन इसके अंदर मैं क्या करूँगा एक इंटीजर नाम का वेरिएबल क्रिएट करता हूँ आंसर नाम का, मीन्स एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल क्रिएट करता हूँ आंसर नाम का, एंड इसके अंदर मैं क्या करूँगा 3.14, 3.14 क्योंकि गाइस पाई की वैल्यू होती है 3.14 मल्टीप्लाई बाय रेडियस, तो रेडियस हमें कहाँ से मिल रहा है इस पर्टिकुलर मेथड को कॉल करते हैं। तो सिंपली मैं चलता हूँ इसे कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पे पास कर देता हूँ इस मेथड को, यहाँ पे कॉल कर देता हूँ सिंपली गाइस यहाँ पे मैं सिस्टम डिबग में प्रिंट करवा देता हूँ एरिया ऑफ सर्कल, इसके अंदर जो आंसर प्रिंट करवा दूंगा करेक्ट। तो गाइस सिंपली हमारे इस क्लास का भी काम हो चुका है, एक्चुअली कुछ इश्यू आ रहा है देखते क्या इशू है, इलीगल असाइनमेंट फ्रॉम डेसिमल टू इंटीजर ओके। एक्चुअली इशू ये है कि हमने ये इंटीजर टाइप का वेरिएबल क्रिएट किया है बट ये 3.14 डेसिमल टाइप का है, सिंपली मैं काम करता हूँ इसे मैं डेसिमल कर देता हूँ, तो अब मैं सेव करता हूँ तो परफेक्टली फाइन। तो गाइस अब मैं इसे सेव करूँगा तो ये सेव हो गया ओके गाइस। सो अपना ये क्लास कंप्लीट हो गया, ये क्लास सर्कल नाम क्लास हमें क्या कर रहा है सर्कल का एरिया कैलकुलेट करके दे रहा है। सिंपली क्या करना है, हम चलते हैं अपने सेल्स कोर्सिंग क्लास से, यहाँ पे अगेन सर्कल नाम का जो क्लास है उसका एक इंस्टेंस क्रिएट करते हैं, सिंपली सी नाम से क्रिएट करते हैं सिंपली न्यू देन सर्कल। तो अब इससे क्या हो रहा है, हमारा जो सर्कल नाम का जो क्लास है इसका जो डिफरेंस है ये हमें कहाँ मिल रहा है, इस सी पे राइट। अब इस सी के थ्रू हम कोई मेथड को एक्सेस कर सकते हैं जो कि सर्कल नाम के क्लास में है, सिंपली सी डॉट एरिया राइट, सी डॉट एरिया इस वाले मेथड को हम कॉल करते हैं हमारे इस मेथड से। तो गाइस इस लाइन के थ्रू क्या हो रहा है,
हमारा जो पर्टिकुलर क्लास का ये मेथड है एरिया ये कॉल हो रहा है। तो गाइस एक्चुअली आई थिंक कुछ इश्यू आ रहा है सर्कल में। सर्कल इक्वल्स टू अनएक्सपेक्टेड टोकन। ओके 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 एक्चुअली ये मेथड है ना जिसे हम डेसिमल ले सकते हैं इस तरफ, इसे डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो आई थिंक अब इशू सॉल्व होना चाहिए। ओके तो हो चुका है, तो मैं सिंपली चलता हूँ, हमारा इस पर्टिकुलर मेथड को भी कॉल कर देते हैं, मीन्स कॉल करते हैं। तो अब हमें क्या मिलना चाहिए, अब हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल और एरिया ऑफ सर्कल दोनों मिलना चाहिए। सिंपली मैं चलता हूँ डिबग पे एंड ओपन एक्सोनिमस विंडो करता हूँ एंड सिंपली इसे एग्जीक्यूट करता हूँ। सो गाइज अब मैं जैसे ही करूँगा इस डिबग ऑनली, तो आप देख सकते हो गाइज एरिया ऑफ सर्कल 200 एंड एरिया ऑफ सर्कल सॉरी एरिया ऑफ रेक्टेंगल 200 एंड एरिया ऑफ सर्कल 31.40, क्योंकि 10 × 3.14 कितना होगा 31.40। तो गाइज ये हमारा पॉपअप वर्क कर रहा है। तो गाइज अब आपके लिए टास्क ये है कि आप एरिया ऑफ ट्राइंगल कैलकुलेट करेंगे उसी तरह से, एक न्यू ट्राइंगल नामी क्लास क्रिएट करके शेप वाली क्लास को एक्सटेंड करेंगे एंड उसकी एरिया ऑफ ट्राइंगल उसमें कैलकुलेट करेंगे। सो गाइज आई होप आपको एकदम अच्छे वे में समझ में आ गया होगा किस तरह से आप किसी पर्टिकुलर क्लास को दूसरे क्लास में एक्सटेंड करके उसके सारे सारे मेथड को एक्सेस कर सकते हैं एंड उसे ओवरराइड भी कर सकते हैं। तो गाइज अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जिसका नाम है इंटरफेस। तो गाइज सिंपली हम समझते हैं कि इंटरफेस होता क्या है। तो गाइज जो इंटरफेस होता है वो एक क्लास की तरह ही होता है जिसके अंदर एक मेथड होता है, बट उस मेथड के अंदर कोई लॉजिक इम्प्लीमेंटेड नहीं होता है। मीन्स वो मेथड बस एक सिग्नेचर की तरह यूज़ किया जाता है, लेकिन मेथड का कोई बॉडी नहीं होता है, उस मेथड में कोई लॉजिक नहीं होता, बस उसको एज अ काइंड ऑफ सिग्नेचर यूज़ किया जाता है नाम की तरह। फॉर एग्जाम्पल गाइस आप देख सकते हो कि एक कंपनी है, ओके तो उनमें दो टाइप के परचेज ऑर्डर होंगे। फर्स्ट वन होगा एम्प्लॉय के लिए और सेकेंड वन होगा कस्टमर के लिए। तो जैसे अगर कस्टमर वो ऑर्डर परचेज करता है तो उसे 5% डिस्काउंट मिल देना चाहिए, एंड अगर कोई उस पर्टिकुलर कंपनी का एम्प्लॉय परचेस करता है वो ऑर्डर तो उसे 8% का डिस्काउंट मिलना चाहिए। तो ये हम किस तरह से इंप्लीमेंट करेंगे इंटरफेस यूज़ करके वो भी मैं आपको शो करने वाला हूँ। तो गाइस उसके लिए मैं सिंपली चलता हूँ। तो गाइस सिंपली मैं काम करता हूँ, ये सारी सारी चीज़ें क्लीन अप कर देता हूँ क्योंकि अब इन सबकी कोई जरूरत नहीं है। ओके तो गाइस मैं सिंपली चलता हूँ। इंटरफेस क्रिएट करने के लिए आपको न्यू पे क्लिक करना है, देन आपको एपेक्स क्लास क्रिएट करना है, देन आपको अपने इंटरफेस का नाम देना है। तो सिंपली इंटरफेस क्लास मैं सिंपली मैं सेव करता हूँ। तो गाइज आई नो अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो आपने एपेक्स क्लास क्रिएट किया ना, इंटरफेस कैसे क्रिएट हुआ। तो आई नो गाइज ये एपेक्स क्लास ही है, बट अगर आपको इसे इंटरफेस में कन्वर्ट करना है तो आपको सिंपली क्या करना है, ये क्लास कीवर्ड की जगह आपको रिमूव करना है, इसकी जगह आपको मैंशन करना है इंटरफेस। गाइज अब जाके आपका ये एक इंटरफेस क्रिएट हुआ है जिसका क्या नाम है इंटरफेस क्लास। एंड गाइज इसके अंदर सिंपली मैं चलता हूँ डबल डेटा टाइप का एक मेथड क्रिएट करता हूँ, तो उस मेथड का नाम मैं करता हूँ डिस्काउंट सिंपली। तो गाइस आई होप आपको पता होगा डबल क्या होता है, डबल एक डेटा टाइप ही होता है, ऑलरेडी मैंने इसके बारे में वीडियो में कवर कर रखा है, आप जाके उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। तो गाइस हमने क्या किया, एक इंटरफेस क्रिएट किया इंटरफेस क्लास नाम का, जिसके अंदर हमने एक मेथड डिक्लेयर कर दिया डबल डेटा टाइप का, जिस मेथड का नाम है डिस्काउंट। तो अब गाइस ये जो मेथड है इस मेथड के अंदर कोई लॉजिक नहीं होगा, कोई बॉडी नहीं होगा, ये बस एज अ सिग्नेचर की तरह यूज़ किया जाएगा। अब इस पर्टिकुलर इंटरफेस को कोई दूसरा क्लास इंप्लीमेंट करके इस पर्टिकुलर मेथड को यूज़ कर सकता है डिस्काउंट वाले। सो फॉर एग्जाम्पल गाइज मैं चलता हूँ, अभी आपको मैंने थोड़ी देर पहले लॉजिक बताया था कि हमारे पास एक कंपनी है जिसमें दो टाइप के परचेज ऑर्डर होंगे। ओके जो फर्स्ट टाइप का होगा उसमें होगा कि अगर कोई पर्टिकुलर एम्प्लॉय उस पर्टिकुलर कंपनी का एम्प्लॉय वो ऑर्डर परचेज करता है तो उसे 8% का डिस्काउंट मिलना चाहिए, लेकिन अगर कोई कस्टमर परचेस करता है वो ऑर्डर तो उसे 5% मिलना चाहिए। उसके लिए गाइज हम क्या करते हैं, सिंपली चलते हैं दो क्लास क्रिएट करते हैं। तो जो फर्स्ट क्लास होगा उसका नाम होगा एम्प्लॉय परचेज ऑर्डर, सिंपली मैं चलता हूँ एम्प्लॉय परचेस ऑर्डर एंड सिंपली मैं ओके क्लिक करता हूँ। तो ये हमारा क्लास क्रिएट हो चुका है। अब इस क्लास में हमें क्या करना है, ये इंटरफेस इंप्लीमेंट करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, सिंपली चलना है इस क्लास के नेम के बाद, आपको एक कीवर्ड यूज़ करना है जिसका नाम है इम्प्लीमेंट्स। ओके इम्प्लीमेंट्स इस तरह से आपको यूज़ करना है एंड इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड के बाद आपको वो इंटरफेस का नाम मैच करना है। तुम्हारे इंटरफेस का क्या नाम है, इंटरफेस क्लास। सिंपली चलता हूँ यहाँ से कॉपी करता हूँ एंड इस तरह से हमने अपना इंटरफेस इंप्लीमेंट कर लिया हमारे इस एम्प्लॉय परचेस ऑर्डर नाम के क्लास में। एंड देन सिंपली गाइस हमारा जो मेथड है राइट, आप देख सकते हो यहाँ पे कोई एक्सेस मॉडिफायर यूज़ नहीं हुआ, क्योंकि गाइस इंटरफेस में जो भी मेथड सिग्नेचर यूज़ किए जाते हैं उसके आगे कोई एक्सेस मॉडिफायर यूज़ नहीं होता है, ये आप हमेशा याद रखना। बट अगर आप कोई एपस क्लास में वो इंटरफेस को इंप्लीमेंट करके उस मेथड को यूटिलाइज करना चाहते हैं तो वहाँ पर आप एक्सेस मॉडिफायर यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं सिंपली चलता हूँ पब्लिक डबल डिस्काउंट। तो जैसे ही इस पर्टिकुलर क्लास का मीन्स
सिंपली हमारा लॉजिक क्या होगा कि जब भी कोई पर्टिकुलर एम्प्लॉय ऑर्डर प्लेस करे तो ये वाला क्लास कॉल हो एम्प्लॉय परचेज ऑर्डर नाम का, एंड उसका ये मेथड कॉल हो डिस्काउंट। तो जैसे ये डिस्काउंट वाला कॉल हो तो इसके अंदर क्या रिटर्न होना चाहिए, सिंपली रिटर्न 0.8। तो गाइस सिंपली इसका ये मतलब है कि एम्प्लॉय क्या गेट करेगा, फ्लैट 8% डिस्काउंट। ये फ्लैट 8% डिस्काउंट हमारे एम्प्लॉय को मिल जाएगा। अब सेम हम चलते हैं हमारे कस्टमर के लिए क्रिएट करते हैं। तो सिंपली चलता हूँ फाइल पे, न्यू पे, देन एपेक्स क्लास, एंड सिंपली अब मैं करता हूँ कस्टमर परचेस ऑर्डर। ओके सिंपली मैं ओके पे क्लिक करता हूँ। देन गाइस सिंपली यहाँ पे मैं अपने इंटरफेस को इंप्लीमेंट करना चाहूँगा, तो सिंपली इंप्लीमेंट्स एंड हमारा ये इंटरफेस का नाम, सिंपली इंटरफेस क्लास नाम है। सिंपली चलते हैं, पेस्ट करता हूँ। देन उसके अंदर हम वो मेथड एक्सेस करेंगे, सिंपली पब्लिक डबल, पब्लिक डबल, ये डबल गाइज हमारा रिटर्न टाइप है जो कि इस पर्टिकुलर मेथड से रिटर्न करेंगे डिस्काउंट वाला। मीन्स जो भी पर्टिकुलर ये क्लास ये डिस्काउंट वाले मेथड को कॉल करेगा उसमें से एक डबल वैल्यू रिटर्न होगी। वो डबल वैल्यू क्या होगी, जो कि हम इसके अंदर रिटर्न कर रहे हैं, ये रिटर्न 0.5, तो ये उसे रिटर्न हो जाएगी, मीन्स इसमें जाके उसे रिटर्न हो जाएगी। सिंपली इसका क्या मतलब हो गया, फ्लैट 5% डिस्काउंट। ओके तो इस तरह से आप कोई पर्टिकुलर इंटरफेस को इंप्लीमेंट करके उसके मेथड को यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस अब इसका लॉजिक क्या होगा मैं बताता हूँ। फॉर एग्जांपल कल को कोई एम्प्लॉय परचेस करता है ऑर्डर, फॉर एग्जांपल आप एक एम्प्लॉय हो इस कंपनी के, आप गए ऑर्डर प्लेस करने, तो अगर वो चेक करेगा कि इफ़ दिस पर्सन इज़ एम्प्लॉय तो ये वाला क्लास कॉल होके ये वाला क्लास का ये वाला मेथड कॉल हो जाएगा डिस्काउंट का। एंड अगर वो चेक करता है इफ़ पर्सन इक्वल्स टू कस्टमर तो ये वाले पर्टिकुलर क्लास का ये वाला डिस्काउंट मेथड कॉल होगा। तो किस तरह कॉल होगा वही मैं आपको शो कर देता हूँ। सिंपली मैं चलता हूँ इस वाले क्लास में, आता हूँ सेल्स फोर्स न्यू क्लास से, एंड सिंपली हमारा जो मेथड है सेल्स फोर्स न्यू मेथड नाम का, इसके अंदर मैं आता हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल अभी हम एम्प्लॉय के लिए करते हैं, तो आपको ये पर्टिकुलर क्लास का ये वाला मेथड कॉल करना है, राइट, डिस्काउंट। सिंपली चलता हूँ, क्लास का नाम आपको कॉपी करना है, एंड अगेन यहाँ पे आपको इंस्टेंस क्रिएट करना पड़ेगा। इतने देर में गाइस अगर आपने पूरा वीडियो एंड तक देखा है मेरा ये वाला, तो आपको इतना समझ में आ गया होगा, इतना समझ में आ गया होगा आपको कि अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर क्लास से दूसरे पर्टिकुलर क्लास का मेथड एक्सेस करना है तो आपको सबसे पहले उस पर्टिकुलर दूसरे क्लास का इंस्टेंस क्रिएट करना पड़ता है। वो किस तरह से क्रिएट होता है, न्यू कीवर्ड यूज़ करके। सिंपली मैं चलता हूँ यहाँ पे, एक नेम स्पेस देता हूँ एम्प्लॉय नाम से, सिंपली देन न्यू उस क्लास का नाम। तो गाइस इस तरह से हम इंस्टेंस क्रिएट करते हैं किसी दूसरे क्लास का। देन गाइस सिंपली अब क्या करते हैं, हमारे एम्प्लॉय नाम का जो नेम स्पेस है इसमें हमें सारा सारा डिफरेंस मिल गया उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय परचेस ऑर्डर नाम की क्लास का। सिंपली मैं चलता हूँ एक यहाँ पे, यहाँ पे एक वेरिएबल लेता हूँ डबल नाम का, और इस डबल नाम के प्रॉपर्टी में मैं इसे लेता हूँ आंसर। मीन्स यहाँ पे हमने एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया जो किस टाइप का, डबल डेट टाइप का, राइट। एंड इस आंसर में क्या स्टोर करना चाहता हूँ, हमारे ये एम्प्लॉय का जो डिस्काउंट मेथड है वो कॉल करवाना चाहता हूँ, और जो वैल्यू मिलेगी वो आके किस में स्टोर हो जाएगी, यहाँ आंसर वाली वेरिएबल में। सिंपली मैं चलता हूँ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय डॉट, और हमारा ये मेथड नाम डिस्काउंट, राइट। सिंपली मैं चलता हूँ डिस्काउंट ऐसे कॉल करता हूँ, एंड सिंपली मैं अपने इस आंसर को डिबग करवा दूंगा। सिंपली मैं चलता हूँ डिबग ऐसे। ओके गाइस, तो गाइस अभी के लिए क्या, अभी तो मैं आपको डेमो के लिए ये शो करवा रहा हूँ कि किस तरह से आप वो पर्टिकुलर मेथड एम्प्लॉय वाले क्लास के मेथड को कॉल कर सकते हैं। बट गाइज एक्चुअली जब आप सिनेरियो प्लेस करेंगे तो यहाँ पे आपको एक, तो गाइज वहाँ पे आपको सिंपली एक कंडीशन लाना पड़ेगा कि इफ़ पर्सन रिक्वेस्ट टू एम्प्लॉय तो ये वाला कॉल करो, राइट, ये वाला मेथड कॉल करो, एल्स कस्टमर वाला करो। बट गाइज अभी के लिए गाइज हम डेमो के लिए क्या कर रहे हैं, सिंपल वाला कर रहे हैं, तो हमारे पास ना तो अभी पर्सन का रेफरेंस है ना तो अभी एम्प्लॉय का रेफरेंस है। तो इसलिए गाइज अभी हम सिंपली मैं आपको बता रहा हूँ कि आप किस तरह से दूसरे क्लास का एक्सेस कर सकते हैं। सिंपली मैं चलता हूँ सेव करता हूँ, एंड देखते हैं कि हमारी आंसर में क्या स्टोर होता है। सिंपली मैं चलता हूँ डिबग पे, ऐसे ओपन एनोनिमस विंडो करता हूँ, एंड सिंपली यहाँ से कॉल करता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ। तो आप देखोगे अगर मैं डिबग ऑन करता हूँ तो आपको आंसर मिलना चाहिए 0.8। गाइज आप देख सकते हो कि हमारे डिबग में क्या आ रहा है, 0.8, क्योंकि ये ऐसा क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने एम्प्लॉय वाले क्लास का डिस्काउंट मेथड कॉल किया है, और उस डिस्काउंट मेथड में हमें क्या रिटर्न आ रहा है, 0.8। तो आप इस पर्टिकुलर 0.8 मेथड को यूज़ करके अपने एम्प्लॉय के लिए 8% का डिस्काउंट क्रिएट करवा सकते हो अपने बिजनेस को अच्छे इंप्लीमेंट करके। और सेम उसी तरह से क्या करना है गाइस, अगर आपको कस्टमर के लिए करना है तो सिंपली चलते हैं कस्टमर का भी आप क्रिएट कर लो इंस्टेंस, एंड सिंपली
कस्टमर नाम का नेम से दे देना, देन सिंपली न्यू, देन कस्टमर परचेज ऑर्डर, देन सिंपली यहाँ पे भी एक डबल नाम का आंसर क्रिएट कर लो। देन इसके अंदर क्या स्टोर कर देना है, कस्टमर डॉट डिस्काउंट, क्योंकि सेम वही डिस्काउंट नाम का मेथड हमने वहाँ पे भी यूज़ कर रखा है। सिंपली चलता हूँ डिस्काउंट, एंड अगर मैं इसे भी सिस्टम और डिबग में यूज़ करता हूँ तो आप देखना क्या मिलने वाला है। सिंपली चलता हूँ आंसर को, यहाँ पे डिबग करवाता हूँ, सिंपली सेव करता हूँ, चलते हैं डिबग में, ओपन एनोनिमस विंडो में, एंड इसे एग्जीक्यूट करते हैं। डिलीवर, तो गाइस आप देख सकते हो कि फर्स्ट लाइन में हमें क्या मिल रहा है, हमारे एम्प्लॉय का जो डिस्काउंट रेट है वो मिल रहा है। देन सेकेंड लाइन में हमें क्या मिल रहा है, हमारे कस्टमर का डिस्काउंट रेट। तो गाइस आई नो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, बट गाइस बिलीव मी बहुत ही सिंपल है, जब तक आप खुद से इंप्लीमेंट नहीं करोगे ना अपने खुद के डैशबोर्ड में, तब तक आपको ये चीज़ें थोड़ी कन्फ्यूजिंग ही लगेंगी, बट अगर आप एक बार दो बार ये इंप्लीमेंट कर लेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा ईजी लगेंगे। तो गाइस इस वीडियो में बस इतना ही, अब लास्ट में आपको एक और टास्क देना चाहूँगा, बहुत सिंपल होगा। आपको सिंपली क्या करना है, एक कार नाम क्लास क्रिएट करना है जिसमें आप स्पीड नाम की एक मेथड डिफाइन कर रखेंगे, एंड सेम उसी स्पीड नाम के मेथड को यूटिलाइज करके आप डिफरेंट डिफरेंट कार्स के मॉडल की स्पीड डिक्लेयर करेंगे, मिस स्पीड डिक्लेयर। बहुत ही, ये तो बहुत ही सिंपल वाला गाइस, जैसे हमने वो शेप के लिए किया वैसे आपको कार के लिए करना है, सिंपल। और इसका सॉल्यूशन भी मैं क्या करूँगा, अपने वेबसाइट पे अपलोड कर दूंगा, जिसका लिंक आपको अभी स्क्रीन में मिल रहा होता है। आप जैसे इस लिंक पे जाएंगे तो आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सॉल्यूशन वहाँ पे मिल जाएगा। तो गाइस इस वीडियो के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय गाइस। गाइस आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो गाइस वीडियो को लाइक करिए, एंड आपके जो भी डाउट्स है क्वेश्चन है वो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन डाउन कर सकते हैं। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।